गुड मॉर्निंग। आज देखिए एक जो नोटिफिकेशन आपका इंडियन आर्मी की तरफ से यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर वैकेंसी आपका जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर रिलीजियस टीचर का वैकेंसी है एज ए जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर की तौर पे, ठीक है। और इसका फुल नोटिफिकेशन यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए जो सबसे पहले मैं ये जो रिलीजियस टीचर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जो ड्यूटीज रिलीजियस टीचर का क्या होता है। जैसे आप लोग सभी जानते हैं, हमारा देश एक देश में सभी धर्म का जैसे इज्जत किया जाता है, सभी धर्म का जैसे सम्मान किया जाता है, उसी तरह से जैसे इंडियन आर्मी में भी सभी धर्म का जो धर्मस्थल बनाया गया है, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, सभी प्रकार के जो धर्मस्थल है अपना अपना जो धर्म का वो बना हुआ है। और जो कंसर्न्ड जो रिलीजियस टीचर है, जैसे धर्म गुरु बोलते हैं, जैसे मस्जिद आपका गुरुद्वारा या आपका मंदिर के लिए, तो जो इंडियन आर्मी में अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी आज नोटिफिकेशन के अंदर है, जैसे आपका रिलीजियस टीचर एज ए जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर वैकेंसी है, ठीक है। ये जो नोटिफिकेशन के अंदर देखेंगे, इसमें जो वैकेंसी टोटल जो वैकेंसी और उसके लिए आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें खास करके आपका ग्रेजुएशन जो ग्रेजुएट कैंडिडेट है इसके लिए एलिजिबल है रिलीजियस टीचर की जो वैकेंसी के लिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं बताना चाहूँगा, देखिए एप्लीकेशन जो है इन्वाइट किया गया है एलिजिबल इंडियन मेल कैंडिडेट्स, इसके लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट्स आवेदन कर पाएंगे, फीमेल कैंडिडेट्स आवेदन नहीं कर पाएंगे। और ये जो आपका वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया का वैकेंसी है, कहीं भी वैकेंसी के ऊपर आपको पोस्ट किया जा सकता है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को। और उसका दो कोर्स अभी स्टार्ट होने वाला है। देखिए एक कोर्स नंबर आपका RRT 91 और RRT आपका 92, दो बैच आपका स्टार्ट होने वाला है और इसके लिए भर्ती लिया जा रहा है, ठीक है। अभी देखिए इसका कुछ वैकेंसी डिटेल्स की अगर बात करेंगे, यहाँ पे देखिए जो पंडित का वैकेंसी, जैसे रिलीजियस टीचर के अलग अलग जो टाइप है, जैसे पंडित जो मंदिर को पूजा पाठ करने के लिए, ठीक है, मंदिर को ये करने के लिए, जैसे मतलब हिंदू धर्म का जो पुजारी है वो पंडित है, यहाँ पे देख सकते हैं 108 वैकेंसी इसमें दिया गया है। और जो आपका जैसे पंडित गोरखा फॉर गोरखा रेजिमेंट, जैसे गोरखा रेजिमेंट इंडियन आर्मी के अंदर है, वहाँ के जो पंडित जी उनको पंडित जी गोरखा जो गोरखा कैंडिडेट से उनको सिलेक्ट किया जाएगा। उसमें देखिए आपका 5 जो वैकेंसी है, जैसे हिंदू गोरखा कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। ग्रांथी के लिए ग्रांथी का जो वैकेंसी है यहाँ पे देख सकते हैं आपका 8 वैकेंसी है, इसमें आपका जो सिख कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। मौलवी यहाँ पे देखिए आपका 3 वैकेंसी है, ठीक है। और ये जो मौलवी के लिए आपका जो मुस्लिम कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन करेंगे, ठीक है। और दूसरी यहाँ पे मौलवी सिया फॉर लद्दाख स्काउट के लिए, यहाँ पे देखिए इसमें एक वैकेंसी है, जो कि लद्दाख मुस्लिम सिया कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, सिर्फ जो आपका लद्दाख की मुस्लिम सिया कैंडिडेट्स जो है इस पद के लिए आवेदन करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मौलवी की बात करें, ये मौलवी में जैसे 3 वैकेंसी है, तो इसमें ऑल ओवर इंडिया के जितने भी मुस्लिम कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबल कैंडिडेट्स। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देख सकते हैं पादरी का आपका 2 वैकेंसी है। बौद्ध मंक, जिसको आप बुद्धिस्ट कहते हैं, बौद्ध मंक का आपका महायाना पर आपका लद्दाख स्काउट के लिए, जैसे अच्छा बौद्ध मंक का उसका 1 वैकेंसी है। टोटल अगर हम वैकेंसी की बात करें तो 128 वैकेंसी आपका रिलीजियस टीचर का, हर धर्म का जो आपका रिलीजियस टीचर जैसे अलग अलग यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसमें देखिए जो आपका ये जो नोटिफिकेशन निकला है, यहाँ पे सबसे जो जरूरी चीज़ें हैं आपका, दो चीज़ समझने की जरूरी है जो वैकेंसी के ऊपर सबसे जरूरी चीज़ें। पहला जरूरी चीज़ है आपका एलिजिबिलिटी के अंदर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या जरूरत है, ठीक है। एज लिमिट की आवश्यकता क्या है और कौन सी डॉक्यूमेंट का आपका आवश्यकता है, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी को समझने के लिए मेरा देश के तमाम जो युवापीढ़ी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग स्वयं बना रखें और शुरू से अंत तक मेरे साथ धैर्य के साथ बने रहिए इस वीडियो में, ताकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को 99% जो जितना भी जो मुख्य पॉइंट्स है उसको मैं कवर करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा यहाँ का जो नेक्स्ट जो आपका जो एक मेन पॉइंट है वो आपका सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में कितने स्टेजेस होंगे, क्या क्या स्टेजेस रहेंगे, कौन सी स्टेजेस में कौन सी एक्टिविटीज़ करवाए जाएंगे, सबसे पहले आपको शॉर्टलिस्ट कैसे किए जाएंगे, तमाम जानकारी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो मेरा देश के युवा पीढ़ी जो एलिजिबल और इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट्स, ठीक है, अगेन मैं सभी को इसमें रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग स्वयं के साथ बने रहिए, ठीक है। देखिए इस नोटिफिकेशन में, इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन को शुरू करने से पहले मेरे देश का तमाम अभ्यर्थी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हैं या अगर आप पहले से विजिट करते आ रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया है,
अगर आप लोग जॉब से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट अगर डेली बेसिस पे पाना चाहते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो चाहे वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब के बारे में, तो जल्द से जल्द आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ इसका बेल आइकन को प्रेस करके आप इस चैनल के लिए पर्सनलाइज हो जाए, ताकि लगातार डेली बेसिस पे आपको जॉब अपडेट्स जो है मिलते रहेगा। सेकेंड चीज़ कहना चाहूँगा, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है पक्का लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो आपका जो कॉन्टैक्ट में जो बच्चे हैं, हो सकता है उनमें से कोई ना कोई बच्चा इस तरह की जो एलिजिबिलिटी को लेकर बैठा हुआ है, इस तरह की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को लेकर बैठा हुआ है, तो उन बच्चों के लिए थोड़ा हेल्प हो जाएगी। चलिए अभी इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन के ऊपर चलते हैं। देखिए, सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी की मैं बात कर रहा था, एलिजिबिलिटी में यहाँ पे क्लियरली बताया गया है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये कॉमन फॉर आपका सर्विंग और डायरेक्ट एंट्री। इसमें देखिए दो तरह की कैंडिडेट्स इसमें आवेदन कर सकते हैं। जैसे जो फ्रेश कैंडिडेट्स है, जो अभी तक कोई नौकरी नहीं है, जो फ्रेशर्स कैंडिडेट्स है, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा एक कैंडिडेट से जैसे आपका सर्विंग कैंडिडेट, सर्विंग कैंडिडेट्स का मतलब ये होता है जो इंडियन आर्मी में ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है, अदर किसी पोस्ट में ज्वाइन कर चुके हैं, अगर वो कैंडिडेट में एलिजिबिलिटी है, ठीक है, अगर जो अप्रोप्रिएट जो क्वालिफिकेशन जो मांगा गया अगर है, वो कैंडिडेट्स भी इसमें रिमोस्ट हो सकते हैं, मतलब इस पोस्ट के लिए वो भी आवेदन, जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं, उसको सर्विस कैंडिडेट कहा जाता है। यहाँ पे एज लिमिट जो रखा गया है बोथ के लिए सेम रखा गया है, आपका प्योरली जो सिविलियन कैंडिडेट्स है, जो फ्रेशर्स है उनके लिए, और जो इन सर्विस मतलब जो डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट्स के, मिनिमम एज लिमिट देखिए यहाँ पे 25 साल रखा गया है और मैक्सिमम यहाँ पे 36 साल जो है, 36 साल तक इसमें आप जो है आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पे क्रूशियल डेट देखिए रखा गया है, जो आपका रेफरेंस डेट है 1 अक्टूबर 2022, 1 अक्टूबर 2022 रखा गया है, वो उसी डेट के आधार पर, 1 अक्टूबर 2022 के आधार पर आपका जो निम्नतम आयु और जो अधिकतम आयु, जैसे मिनिमम एज लिमिट और मैक्सिमम एज लिमिट दोनों काउंट किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो बड़ी चीज़ है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को आपको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। सबसे पहले देखिए जो आरटी रिलीजियस टीचर पंडित और पंडित गोरखा, ये दोनों के लिए है। कैंडिडेट शास्त्री या आचार्य क्या होना चाहिए, ठीक है, संस्कृत से शास्त्री या आचार्य क्या होना चाहिए, और इन एडिशन उसके साथ साथ जो आपका कर्मखंड उनका एक मेन या कोर सब्जेक्ट होना चाहिए, जो शास्त्रीय आचार्य में जो आपका कर्मखंड जो है एक मेन या आपका कोर सब्जेक्ट जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए, या अगर आपका कर्मखंड अगर जो है एक मेन या कोर सब्जेक्ट के तौर पे नहीं है, तो इसमें देखिए कर्मखंड के ऊपर अगर कोई कैंडिडेट्स 1 ईयर का डिप्लोमा किया है तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला इसका एजुकेशन है आपका शास्त्रीय आचार्य होना चाहिए, अगर आप शास्त्रीय आचार्य के हैं, कर्मखंड का एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए अगर है तो, ठीक है, अगर आपने सब्जेक्ट के तौर पे नहीं है, आप 1 ईयर का डिप्लोमा किया है इन कर्मखंड में, आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट जो वैकेंसी आरटी जो आपका ग्रांथी है इसके लिए सिख के जो कैंडिडेट्स है विथ ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन से, आप आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन अगर किए हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ देखिए आपका इंडिविजुअल शुड हैव आपका ज्ञानी इन पंजाबी, इंडिविजुअल शुड हैव ज्ञानी इन पंजाबी, पंजाबी में ज्ञानी होना चाहिए, ठीक है, वो कैंडिडेट्स आरटी ग्रांथी के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। थर्ड जो देखिए आपका रिलीजियस टीचर मौलवी, यहाँ जो स्पेशली इसके लिए आपका मुस्लिम कैंडिडेट जो है आवेदन करेंगे, ठीक है, और ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ साथ उनका देखिए इन एडिशन ग्रेजुएशन के साथ साथ इंडिविजुअल शुड हैव एलिम इन अरबिक या आदिब इन आपका माहिर या उर्दू माहिर इन उर्दू, जो इस तरह की इन एडिशनल जो है एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। थर्ड में देखिए आरटी जो पादरी है, जैसे आपका पादरी है जैसे क्रिश्चियन कैंडिडेट्स के लिए है, इसको आप आवेदन करेंगे, उसमें सबसे पहले ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ साथ इन एडिशन देखिए यहाँ पे दिया गया है इंडिविजुअल शुड हैव बीन जो ऑर्डरेंट आपका प्रिस्टहुड, ठीक है, बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी द्वारा वो ट्रेंड हुआ होना चाहिए, ठीक है, जो आपका पादरी के लिए, जो पादरी कैंडिडेट से इसको देखने के बाद आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। जो आपका रिलीजियस टीचर आपका बुद्धिस्ट इसके लिए देखिए बुद्धिस्ट कैंडिडेट ही प्योरली आवेदन करेंगे, उसमें जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ग्रेजुएशन के साथ साथ इन एडिशन में दिया गया है इंडिविजुअल शुड हैव आपका ऑर्डरेंट एज आपका मंक या बुद्धिस्ट आपका बुद्धिस्ट प्रीट बाय एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, ठीक है।
तो यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी का जो मतलब ये होता है, जो हेड प्रीस्ट ऑफ आपका जो आपका मोनास्ट्री, जो हेड प्रीस्ट ऑफ का आपका मोनास्ट्री हायर द पर्सन हैज बीन इनिशिएटेड इनटू आपका प्रीस्टहुड, ठीक है। तो आई थिंक जो आपका बुद्धिस्ट जो कैंडिडेट्स इसको देखने के बाद जो आपका एलिजिबिलिटी को आप लोग समझ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो एक बड़ी पॉइंट है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड्स का, देखिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आपका जैसे इसमें आपका जो मेंटली कोई भी जो कैंडिडेट से फिजिक और मेंटली जो है साउंड हेल्थ होना चाहिए, और चेस्ट का जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे दिया गया है, जो लेटर स्टेज में आपको दिखा दूंगा, चेस्ट हाइट टू वेट आपको क्या दिया गया है सभी चीज़ें मैं इसमें दिखा दूंगा, जो आपका प्योरली सिविल कैंडिडेट्स है, जो खास करके जो सर्विंग कैंडिडेट्स है, जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स है या जो रिमोस्टिंग कैंडिडेट्स है, उनका जो मेडिकल कैटेगरी सेप वन होना चाहिए, ठीक है, तभी वो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। अगर आपका मेडिकल कैटेगरी अगर सेप वन है तो आपको जब रिक्रूटमेंट रैली होगा आपका रिलीजियस टीचर का, जो ये खास करके डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए है, वो कैंडिडेट्स को मेडिकल एग्जामिनेशन दोबारा करवाया नहीं जाएगा। बट आपको आप जहाँ पे जिस यूनिट में काम कर रहे हैं वहाँ का जो कंसर्न्ड जो मेडिकल अथॉरिटी, जो आपका एमआई रूम का जो डॉक्टर है, उनसे आपको जो मेडिकल सर्टिफिकेट एक प्राप्त किया होना चाहिए, जिसके अंदर मेडिकल कैटेगरी आपका वन सेप वन होगा, दूसरी काउंटर साइन होगा जो है आपका जो कमांडिंग ऑफिसर या जो ओसी यूनिट से काउंटर साइन किया होना चाहिए। यहाँ पे देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है, देखिए हाइट जो होगा वो जनरल देखिए 160 सेंटीमीटर आपका हाइट चाहिए, बट जो गोरखा और जो लद्दाख रीजन की जो कैंडिडेट उनका हाइट 150 सेंटीमीटर चाहिए, जो कैंडिडेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लक्षद्वीप ग्रुप के हैं वो कैंडिडेट्स के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट इसमें रखा गया है, बट चेस्ट देखिए 77 सेंटीमीटर सभी के लिए है, चेस्ट एक्सपेंशन रहेगा 5 सेंटीमीटर का। वेट देखिए, वेट में आप जो जनरल कैंडिडेट्स है, जो जैसे फॉर जनरल इसमें देखिए लेस गोरखा एंड लद्दाख, गोरखा और लद्दाख की जो कैंडिडेट को छोड़ के जनरल के लिए देखिए यहाँ पे 50 kg होना चाहिए, और जो गोरखा और लद्दाख के रीजन के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 48 kg आपका वेट होना चाहिए। और फिजिकल फिटनेस टेस्ट में कैंडिडेट को 1600 मीटर की दौड़ लगानी होगी, जो कि 8 मिनट के अंदर जो है आपको क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो हिली टेरेन के लिए कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे 30 सेकेंड का जो हिली टेरेन आपका सी लेवल से 5000 से 9000 फीट के हाइट के ऊंचाई में है, वो कैंडिडेट्स के लिए 30 सेकेंड और एक्स्ट्रा दिया जाएगा, मतलब 8 मिनट 30 सेकेंड्स दिए जाएंगे। जो लोकेशन आपका 9000 फीट से 12000 फीट की ऊंचाई में है वो जो हिली टेरेन के लिए जो कैंडिडेट्स है तो उनको 120 सेकेंड मतलब आपका 2 मिनट्स और एक्स्ट्रा दिया जाएंगे, 10 मिनट के अंदर आपको जो है इसको 1600 मीटर रन को क्वालिफाई करना होगा। देखिए नेक्स्ट जो बड़ी पॉइंट है आपका स्क्रीनिंग, अगर स्क्रीनिंग की बात करें जो कैंडिडेट एलिजिबल पाए जाएंगे उनको एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा फॉर इनिशियल स्क्रीनिंग। जैसे जो कैंडिडेट्स को ऐसे वर्बली जैसे नॉर्मली देखा जाएगा, जो कैंडिडेट सूटेबल पाए जाएंगे उनको जो आपका एप्लीकेशन जैसे आप अप्लाई कर देंगे, ठीक है, उसी से आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आप डाटा भरा है उसको मद्देनजर रखते हुए जो कैंडिडेट्स को सूटेबल पाया जाएगा वो कैंडिडेट्स को इनिशियली जो है उनको एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा इनिशियल स्क्रीनिंग के लिए। जो इनिशियल स्क्रीनिंग में आपका देखिए क्या क्या होगा, चेकिंग अप आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, फिजिकल फिटनेस टेस्ट करवाए जाएंगे और आपका मेडिकल जो रेस्पेक्टिव मेडिकल टेस्ट होगा, ये तीनों चीज़ें आपका जो आपका इनिशियल स्क्रीनिंग में करवाए जाएंगे, ठीक है। ये जो देखिए यहाँ पे रेस्पेक्टिव जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, रेस्पेक्टिव हेडक्वार्टर या जोन या जो रेजिमेंटल सेंटर में को आपको डायरेक्शन दिया जाएगा, आपका एडमिट कार्ड में उसमें मेंशन होगा, आप उसी सेंटर में पहुँचेंगे और आपका इनिशियल स्क्रीनिंग किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए इनिशियल जैसे स्क्रीनिंग खत्म होने के बाद यहाँ पे देखिए जो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन इंटरव्यू एंड टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है कुछ इस तरह रहेंगे। देखिए जो कैंडिडेट्स आपका स्क्रीनड कैंडिडेट्स विल बी पुट थ्रू रिटर्न एग्जामिनेशन, जो बच्चे स्क्रीनड इन हो जाएंगे, मतलब जिनका डॉक्यूमेंट और उनका मेडिकल और आपका फिजिकल एक्टिविटीज़ में जो क्वालिफाई कर लेंगे वो कैंडिडेट्स को रिटर्न के लिए उनको रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए उनको देखिए रिटर्न एग्जामिनेशन उनका कंडक्ट होगा
26 फरवरी 2023 को जो है रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, और रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए उनको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए जो रिटर्न एग्जामिनेशन कंटेंट करेगा, इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और टू पेपर्स उसमें होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और टू पेपर्स होंगे। टू पेपर्स में यहाँ पे देखिए जो पहला पेपर है वो है जनरल अवेयरनेस का, और ये पेपर सभी के लिए सेम है, सभी ग्रुप सभी कैटेगरी के जो रिलीजियस टीचर है, जैसे आपका मौलवी, पादरी, पंडित जी जो भी है, तो सभी कैटेगरी के जो रिलीजियस टीचर के लिए ये आपका कॉमन रहेगा। देखिए आपका टोटल क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन रहेगा, हर एक क्वेश्चन का मूल्य दो रहेगा, मतलब 100 मार्क का आपका एग्जाम होगा। 100 में से मिनिमम आपको 40 मार्क रखना होगा पेपर वन में, 100 में से 40 मार्क आपको जो मिनिमम कट ऑफ आपका 40 मार्क है, 40 मार्क से कम रखने वाले जो कैंडिडेट्स का पेपर टू का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आपका आधा मार्क, हाफ मार्क, 0.05, इसका मतलब आधा मार्क आपको कटौती कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। यहाँ पे पेपर टू जो रहेगा ये आपका स्पेसिफिक रिलीजियस आपका डिनोमिनेशन, आप जिस रिलीजियस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर आपका टॉपिक्स इसमें रहेंगे जो पेपर टू, ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा, इसमें भी आपको 40 मार्क मिनिमम कटअप जो रखना होगा, ठीक है, और इसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे और हर एक क्वेश्चन का मूल्य 2 मार्क रहेगा, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग आपका 0.25 रहेगा। देखिए मैं कहना चाहूँगा ये जो पेपर वन है, ये पेपर वन का जो मार्क है ये आपको जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए इसको जोड़े नहीं जाएंगे, ये जो पेपर वन को जो आपका पेपर वन जो है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, और आप इसमें आज जो पेपर वन में क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को पेपर टू के लिए अलाउ किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए और जो फाइनल सिलेक्शन जब होगा उसमें देखिए आपका इंटरव्यू जो आपका जो पेपर टू, ये वाला जो पेपर टू है, पेपर टू और आपका यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका इंटरव्यू करवाए जाएंगे, ये दोनों का मार्क जोड़कर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो है तैयार किए जाएंगे। अच्छा देखिए सभी कैंडिडेट्स को और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जैसे ये जो नोटिफिकेशन है इस नोटिफिकेशन को मेरा टेलीग्राम पेज, टेलीग्राम एक पेज वे टू सक्सेस के नाम से एक टेलीग्राम में पेज है, उस पेज में जो है मैं इसको शेयर कर दूंगा इस नोटिफिकेशन को, और टेलीग्राम पेज का जो लिंक है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जो कैंडिडेट्स इस नोटिफिकेशन को थॉरली पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वो कैंडिडेट्स मेरा टेलीग्राम पेज में ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करके जो मैं लिंक दूंगा और वहां से आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप उस नोटिफिकेशन को आराम से पढ़ सकते हैं। अगर किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो कैंडिडेट इसमें हु हैव बीन आपका शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ओनली इन द पेपर टू विल बी इंटरव्यूड, इसका कहने की मतलब जो कैंडिडेट्स आपका पेपर टू में सक्सेस पाए जाएंगे, ठीक है, जिनको शॉर्टलिस्ट उनको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा आपका इंटरव्यू के लिए, और ये जो इंटरव्यू होगा बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स रहेंगे एट एमईजी सेंटर, आपका एमईजी एंड सेंटर, ठीक है, माद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर बेंगलोर में किया जाएगा आपका जो इंटरव्यू किया जाएगा, और एक दूसरी एक जगह जैसे 39 जीटीसी जो वाराणसी में है, आपका दो जो सेंटर रहेंगे इंटरव्यू के लिए, एक रहेगा बेंगलुरु आपका एमिजियन सेंटर, दूसरा सेंटर रहेगा आपका 39 जीटीसी जो कि वाराणसी में है। नेक्स्ट अभी बात करेंगे, देखिए यहाँ पे जो नेम जो कैंडिडेट सक्सेसफुल पाए जाएंगे आपका पेपर टू में, यहाँ पे देखिए द नेम्स ऑफ कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन द रिटर्न एग्जामिनेशन शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू, उनको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा, और जितने भी शॉर्टलिस्टेड बच्चे होंगे इंटरव्यू के लिए उनका नाम जो है यहाँ पे देखिए आपको नाम को आपको रिक्रूटिंग डायरेक्टर जो वेबसाइट है इंडियन आर्मी के अंदर जो रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट जो रिक्रूटिंग डायरेक्टर में आपको इंटरव्यू लिया जा रहा है तो उसका जो वेबसाइट में आपको आपका नाम मिल जाएगा बाय रिक्रूटिंग हेडक्वार्टर आपका बेंगलोर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो चीज़ें बताना चाहूँगा, इसमें कैंडिडेट स्कोरिंग है मिनिमम 50 out of 100 मार्क्स विल बी क्वालिफाइंग इन इंटरव्यू, आपका जो इंटरव्यू होगा वो भी आपका 100 मार्क का होगा और मिनिमम आपको 50% उसमें रखना होगा क्वालिफाई करने के लिए, 50% मार्क जो है आपको 100 मार्क्स से रखना होगा, इसका अर्थ ही हुआ 100 में से आपको 50 मार्क मिनिमम रखना होगा तभी जाके आपको इंटरव्यू क्वालिफाई माना जाएगा, ठीक है, तभी आपका जो प्रोविजनल लिस्ट में आपका नाम रह सकता है, ठीक है। और जो फाइनल जो आपका सिलेक्शन किए जाएंगे वो मेरिट लिस्ट जो ड्रॉन होगा ऑन द बेसिस ऑफ आपका जो टोटल मार्क्स ऑब्टेंड इन पेपर टू इन इंटरव्यू,
जो पेपर टू में आप जो अंक प्राप्त करेंगे, जो मार्क्स आपको मिलेगा, और आपका इंटरव्यू में, ये दोनों चीज़ को जोड़कर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो है बनेगा। इसमें बाकी कैंडिडेट्स के लिए थोड़ी सी एक अच्छी सी बात है, बट यहाँ पे जो सर्विंग सोल्जर, देखिए यहाँ पे जैसे बाकी सारे इंटरव्यू में देखा गया है कि जैसे सर्विंग सोल्जर का जो बच्चे हैं, एक्स सर्विसमैन के जो बच्चे हैं, वार वुडज या वुडज या स्पोर्ट्समैन या एनसीसी या कंप्यूटर सर्टिफिकेट होल्डर्स जो है कैंडिडेट्स के लिए बोनस मार्क दिया जाता था, बट इसमें किसी प्रकार के बोनस मार्क नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं टर्म्स ऑफ आपका जो एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, जैसे सिलेक्शन जो फाइनली जो कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे उनको एनरोल किया जाएगा एज ए JCO जूनियर कमीशनड ऑफिसर RT रिलीजियस टीचर की तौर पे, और उनको 6 हफ्ते का पहले उनको बेसिक ट्रेनिंग दिया जाएगा BG सेंटर में, आपका बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर में जो आपका किरकी में है, वहाँ पे आपको 6 हफ्ते के पहले ट्रेनिंग होगा, बेसिक ट्रेनिंग होगा। उसके बाद 11 हफ्ते की आपको ट्रेनिंग दिए जाएंगे जो स्पेसिफिक रिलीजियस आपका डिनोमिनेशन के ऊपर, जो आप स्पेसिफिक जो रिलीजियस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए, मतलब जिसको आप ट्रेड ट्रेनिंग भी कह सकते हैं, आप जिस पोस्ट के लिए भर्ती है उसके हिसाब से आपको 11 हफ्ते की जो ट्रेनिंग आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और ये जो आपका जो 11 हफ्ते की जो ट्रेनिंग रहेगा, ये रहेगा आपका, देखिए जो इंस्टीट्यूशन ऑफ आपका नेशनल इंटीग्रेशन जो पुणे में दिए जाएंगे। ठीक है, और अंत में जैसे ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, उसके बाद कैंडिडेट को कमीशन कर दिया जाएगा एज ए रिलीजियस टीचर इन द रैंक ऑफ नायब सूबेदार। आप जैसे आपका सक्सेसफुल ट्रेनिंग खत्म हो जाएंगे उसके बाद आपको कमीशन कर दिया जाएगा इंडियन आर्मी में। ठीक है, एज ए परमानेंट एम्प्लॉयज की तौर पे, ठीक है, आपका रैंक रहेगा नायब सूबेदार रैंक में जो है आप जो है कार्यरत होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हाउ टू अप्लाई में यहाँ पे क्लियरली बताया गया है जो रिक्रूटमेंट विल कैरिड आउट थ्रू द हेडक्वार्टर्स रिक्रूटिंग जोन। ठीक है, जो हेडक्वार्टर आपका जो कंसर्न्ड हेडक्वार्टर है, आप जिस एरिया से आते हैं, जिस राज्य से आते हैं, आपका हर एक राज्य के लिए एक हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन दिया हुआ है जो लेटर स्टेज में दिखाऊंगा। जैसे सपोज ओडिशा के लिए आपका हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन हो गया कोलकाता। ठीक है, उसी तरह से हर स्टेट के लिए एक हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन दिया हुआ है जो उसका एड्रेस तमाम चीज़ें मैं दिखाऊंगा। आप कौन सी जो है हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन के अंदर आते हैं वो लेटर स्टेज में मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, इसलिए थोड़ा सा स्वयं बनाए रखिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो अप्लाई करेंगे जो रिक्रूटमेंट विल बी कैरिड आउट थ्रू द आपका हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन, या आपका जैसे इंडिपेंडेंट रिक्रूटिंग ऑफिस जैसे दिल्ली कैंट, या GRD आपका कुंगरा घाट आपका लद्दाख स्काउट रेजिमेंट ले। यहाँ पे देखिए सिविल कैंडिडेट्स के लिए, यहाँ पे देखिए जो सिविल कैंडिडेट्स के लिए बताना चाहूँगा, देखिए ये जो सिविल कैंडिडेट कैन अपीयर द स्क्रीनिंग एंड रिटन एग्जामिनेशन ओनली इन द हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन। ठीक है, जो सिविल कैंडिडेट जो फ्रेश कैंडिडेट्स है, जो फ्रेशर्स इसके लिए अप्लाई करेंगे, वो कैंडिडेट्स का जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा और स्क्रीनिंग होगा, स्क्रीनिंग में जैसे डॉक्यूमेंट चेक होंगे, आपका फिजिकल करवाए जाएंगे, मेडिकल करवाए जाएंगे, ये सभी चीज़ें जो होगा ओनली इन द हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन। जो आपका हेडक्वार्टर, आप जिस हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन के अंदर आते हैं वहाँ पर कराए जाएंगे। अगर जो आपका दिल्ली कैंट में रहने वाला है वो इंडिपेंडेंट रिक्रूटिंग ऑफिस का कराएंगे, और जो लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर कवरिंग देयर प्लेस ऑफ डोमिसाइल। ठीक है, ये जो लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर जो है उसके अंडर में जो एरिया है उनका, उधर का जो कैंडिडेट्स का आपका लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर जो है कवर करेगा इनका जो रिटर्न एग्जामिनेशन और स्क्रीनिंग, आपका स्क्रीनिंग बोथ। बट यहाँ पे देखिए जो सर्विस कैंडिडेट्स है, जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स विल अपियर स्क्रीनिंग, और जो रिटर्न होगा यह होगा आपका रिक्रूटिंग जोन या इंडिपेंडेंट रिक्रूटिंग ऑफिस दिल्ली कैंट या नियरेस्ट टू द प्लेस ऑफ पोस्टिंग। नियरेस्ट टू द, आप जहाँ पे पोस्टेड है उसका आसपास में आपका नज़दीक में जो रिक्रूटिंग जोन है उसी रिक्रूटिंग जोन में आप स्क्रीनिंग और रिटर्न एग्जामिनेशन देंगे। यह है आपका सर्विस कैंडिडेट्स के लिए, जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए। नेक्स्ट जो आपका सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय द सिविल कैंडिडेट्स, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज किया है बट आपको मैं इसमें क्लैरिफाई कराऊंगा, आप भी इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय सिविल कैंडिडेट्स, एप्लीकेशन को जो आप एप्लीकेशन को सबमिशन कैसे करेंगे बाय सिविल कैंडिडेट्स, जो सिविल मतलब जो फ्रेशर्स कैंडिडेट्स है, प्योरली आपका सिविल कैंडिडेट्स। देखिए सिविल कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर पंडित, आपका ग्रांती, आपका पादरी या मौलवी, जो कैटेगरी के लिए जो अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन विल ओनली बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन ऑन वेबसाइट जॉइन इंडियन आर्मी NIC, आपका NIC इन
पे आपको करना होगा। दोबारा इसको दोहरा रहा हूँ, जो प्योरली सिविल कैंडिडेट है, जो पंडित, आपका ग्रंथी, आपका पादरी, मौलवी कैटेगरी के लिए जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, प्योरली आप लोगों को जो ऑनलाइन मोड पे ही अप्लाई करना होगा। जो इंडियन ज्वाइन इंडियन आर्मी का जो वेबसाइट है, उसी वेबसाइट में आपको आवेदन करना होगा। मैनुअल एप्लीकेशन फॉर दिस कैटेगरी विल बी रिजेक्टेड। अगर जो सिविल कैंडिडेट्स, कोई भी कैंडिडेट्स मैनुअल एप्लीकेशन को भर के वो अगर भेजता है, उसको इसका कैंडिडेचर को माना नहीं जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएंगे। बट देखिए कौन सी कैंडिडेट्स के लिए आपको जो है फॉर्म भर के भेजना होगा। सबसे पहले देखिए आपका सिविल गोरखा कैंडिडेट्स, यहाँ पे देखिए सिविल गोरखा कैंडिडेट्स, ये सिविल कैंडिडेट, सिविल गोरखा कैंडिडेट, देखिए ये सिविल कैंडिडेट जो गोरखा है, ये सिविल कैंडिडेट्स है, बट हर एक जो गोरखा कैंडिडेट जो है सिविल कैंडिडेट है, बट हर एक सिविल कैंडिडेट जो गोरखा कैंडिडेट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन जो मैं आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सिविल जो गोरखा कैटेगरी से आते हैं जो कैंडिडेट, उनके लिए सिविल गोरखा कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पंडित गोरखा, जो आपका सिविल गोरखा कैंडिडेट आपका पंडित गोरखा के लिए अप्लाई करेंगे, वो कैंडिडेट सबमिट करेंगे रिटर्न एप्लीकेशन, वो ऑनलाइन नहीं करेंगे, वो रिटर्न एप्लीकेशन जो है सबमिट करेंगे ड्यूली आपका फाइल टू गोरखा रिक्रूटिंग डिपो, ठीक है। जो उसका एक फॉर्मेट दिखाऊंगा, उस फॉर्मेट को भरेंगे या टाइप करेंगे, टाइप करके आपका जो रिक्रूटिंग डिपो है नियरेस्ट, वो रिक्रूटिंग डिपो जैसे आपका कुंगरा घाट ओनली, आपका रिक्रूटिंग जो देखिए यहाँ पे सिविल गोरखा कैंडिडेट, गोरखा के जो सिविल कैंडिडेट है, अगर गोरखा पंडित के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको फॉर्म एक दिखाऊंगा लेटेस्ट स्टेज में, उस फॉर्म को भर के आपका गोरखा रिक्रूटिंग डिपो कुंगरा घाट यहाँ पे आपको भेजना होगा। यहाँ पे देखिए परफॉर्मा दिया गया है, जो लेटेस्ट स्टेज में आप लोगों को दिखा दूंगा। सेम ऐसे ही देखिए सिविल जो मुस्लिम, आपका सिया जो कैंडिडेट, सिविल मुस्लिम सिया जो कैंडिडेट्स ऑफ लद्दाख रीजन के जो कैंडिडेट्स है, जो सिविल मुस्लिम सिया कैंडिडेट्स ऑफ लद्दाख रीजन, वो कैंडिडेट सिविल मुस्लिम सिया, सिविल मुस्लिम आपका सिया ऑफ लद्दाख रीजन जो है, जो आपका मौलवी सिया के लिए जो कैटेगरी के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, उनको भी सबमिट करना होगा रिटर्न एप्लीकेशन उनको भी सबमिट करना होगा। देखिए ये जो रिटर्न एप्लीकेशन भर के आपका लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर ले को ही भेजेंगे, ठीक है, सबमिट करेंगे, समझ में आया। थर्ड देखिए आपका यहाँ पे अगर बात करेंगे, सॉरी फोर्थ आपका सिविल बुद्धिस्ट, जो महायाना कैंडिडेट्स अदर देन आपका जो सिक्किम कैंडिडेट, सिक्किम रीजियन, यहाँ पे देखिए जो सिविल बुद्धिस्ट के लिए आपका महायाना कैंडिडेट्स महायाना जो बुद्धिस्ट महायाना आपका कैंडिडेट्स ऑफ अदर देन आपका सिक्किम रीजन को छोड़ के, यहाँ पे देखिए सिविल जो बुद्धिस्ट है, सिविल बुद्धिस्ट जो महायाना कैंडिडेट अदर देन आपका सिक्किम रीजन जो कैंडिडेट्स है, जो कि अप्लाई कर रहे हैं फॉर बोध आपका मंक के लिए जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, उनको भी एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। बट ये एप्लीकेशन कहाँ सबमिट करेंगे, टू द लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर ले को ही ये सबमिट करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन को भरेंगे, तमाम जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगा के आपको भेजना होगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो बड़ी पॉइंट है आपका सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय सर्विस कैंडिडेट, सर्विस कैंडिडेट्स कैसे इसको एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। यहाँ पे क्लियरली बताया गया एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑफिशियल चैनल, जो सर्विस कैंडिडेट्स के लिए ये ऑनलाइन आवेदन नहीं करेंगे, इनका जिस यूनिट में काम कर रहे हैं उसी यूनिट से जो ऑफिशियल चैनल है, जैसे उस यूनिट का CO या OC से जो अप्रूव करा के आप उनका जो कंसर्न जो रिकॉर्ड ऑफिस को भेजेंगे, और उसके बाद जो कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिस उसको सर्टिफाई करके, ठीक है, आगे जो इनका जो कंसर्न जो रिक्रूट हेडक्वार्टर रिक्रूट जोन है उनके नज़दीक में जहाँ पे जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो पोस्टेड है उसका आसपास में जो हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन है वहाँ पे वो भेजेगा, वो उसका जिम्मेदारी है। बट सबसे पहला एप्लीकेशन CO से अप्रूव होके अपना खुद का जो रिकॉर्ड ऑफिस है रिकॉर्ड ऑफिस में आपको भेजना होगा, ठीक है। इसमें देखिए इस जो पोस्ट के लिए केवल जो मेल कैंडिडेट्स ही आवेदन कर पाएंगे, कोई फीमेल कैंडिडेट्स के लिए गलती से आवेदन नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो बड़ी चीज़ है, जो कैंडिडेट्स वो सिलेक्शन जो सिलेक्टेड इंटरव्यू में जो कैंडिडेट सिलेक्ट इंटरव्यू तक इंटरव्यू में जो कैंडिडेट्स फाइनली सिलेक्ट हो जाता है, वो कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग से पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यहाँ पे देखिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर, जिस यूनिट में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, उससे आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट
आपको लेना होगा, और आपका जोनल रिक्रूटिंग ऑफिस बिफोर डिस्पैच, आपको डिस्पैच करने से पहले, ट्रेनिंग के लिए डिस्पैच करने से पहले आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट्स जो देखिए यहाँ पे कैंडिडेट्स कौन से डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है आपका देखिए, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स व्हेन कॉल्ड फॉर स्क्रीनिंग। जब स्क्रीनिंग के लिए कैंडिडेट्स को बुलवाया जाएगा उस टाइम आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सबसे पहले तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपके पास होना चाहिए, ठीक है, जो सरपंच के द्वारा। उसके बाद देखिए आपका डोमिसाइल, रेसिडेंट या नेटिविटी सर्टिफिकेट, जो ऑथराइज सिग्नेटरी जो गवर्नमेंट अथॉरिटी से होना चाहिए। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट फंड, जो मैट्रिकुलेशन ऑनवर्ड, मैट्रिकुलेशन से लेकर आपका जो ऑनवर्ड्स जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका मार्कशीट, उसका जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, जो प्रत्येक साल का, ठीक है, वो होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी, अगर जो कैंडिडेट साउन ऑफ आपका यहाँ पे देख सकते हैं, जो सन ऑफ आपका जो एक्स सर्विसमैन, सन ऑफ वार विडोज, सन ऑफ विडोज सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल, वो भी आपके पास होना अनिवार्य है, ठीक है। देखिए जो मेन जितना भी जो पॉइंट मैं कवर कर रहा हूँ, जहाँ पे ऐसे इस तरह आपका सेल्फ स्टडी लिखा हूँ, आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करेंगे, इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑफ सिविल कैंडिडेट्स फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो प्योरली जो सिविल कैंडिडेट्स है, ऑनलाइन उनको बताया गया है कि वो ऑनलाइन आवेदन करेंगे। यहाँ पे देखिए पूरी इंस्ट्रक्शंस जो स्टेप वाइज दिया गया है, सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आप सबमिट करेंगे, जो कि आपको करना होगा। यहाँ पे देखिए वेबसाइट दिया गया है, जो joinindianarmy.nic.in, इस पे आपको जो है आवेदन करना होगा। जो प्योरली सिविल कैंडिडेट्स है, जो आपका पंडित ग्रंथी, आपका पादरी मौलवी के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, जो आपका प्योरली सिविल कैंडिडेट्स है, सबसे पहले आपको देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और ऑनलाइन जब रजिस्ट्रेशन करते वक्त तो यहाँ पे देखिए जो आपको कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जरूरत पड़ेगा, पर्सनल डिटेल्स आपका वेरिफिकेशन, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और आपका पर्सनल ईमेल आईडी और पर्सनल मोबाइल नंबर, ये चीज़ें आपको जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त जरूरत पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, यहाँ पे पूरी प्रोसीजर्स यहाँ पे दिया गया है, कैसे कैसे ऑनलाइन आप आवेदन करेंगे, इसमें स्टेप वाइज आप लोग पढ़ लीजिए, पढ़ने से आप जो है आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो भी जनरेट होगा, यहाँ पे जनरेटेड हुए अंदर रैली शेड्यूल्ड, जब रैली शेड्यूल हो जाएंगे, रैली कब किए जाएंगे जब शेड्यूल हो जाएगा, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड भी जो है अपलोड कर दिए जाएंगे। इसमें जो एप्लीकेंट को इसमें एडवाइज किया गया है, इसलिए चेक करते रहिए जो प्रोफाइल, जो जॉइन इंडियन आर्मी में फॉर एडमिट कार्ड कब इश्यू होगा, तो इसको आपको लगातार जो है मतलब लगातार टच में रहना होगा, ठीक है। और कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिंट आउट वन कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, जैसे आपका एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएंगे उसको आपको डाउनलोड करना होगा, उसका प्रिंट आउट जो है आप लेंगे, और प्रिंट आउट के ऊपर आपका फोटोग्राफ, आपका जो रिसेंट जो पासपोर्ट जो फोटोग्राफ है वो आपको लगाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी बात करेंगे, देखिए नेक्स्ट जो बड़ी पॉइंट है इसमें देखिए, बिफोर सबमिटिंग जो एप्लीकेशन, जैसे आप एप्लीकेशन को आप भरते हैं ऑनलाइन, जो एप्लीकेशन जो भरते हैं उसके बाद एक बार उसको थॉरली चेक कर लीजिए, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए टू कॉपी, जब जैसे आप सक्सेसफुली सबमिट कर देते हैं, सबमिट होने के बाद उसका टू कॉपी प्रिंट आउट आप ले लीजिए विथ आपका रजिस्टर, आपका रोल नंबर जनरेशन बाय द सिस्टम, ठीक है। वो जो प्रिंट उसका प्रिंट आउट का दो कॉपी, जिसके अंदर आपका रोल नंबर होना अनिवार्य है। यहाँ पे देखिए जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बाय सरपंच और द विलेज, जो एडमिट कार्ड इज कंपलसरी, और जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो मैंने तो पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, जो आपके साथ क्या होना चाहिए, जो आप स्क्रीनिंग के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएंगे, इसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, आप जो कैंडिडेट्स को देखना चाहते हैं देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा 8 अक्टूबर आपका 2022 को स्टार्ट हो जाएंगे, और ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन जो आपका क्लोजेस का समय है, यहाँ पे देखिए 6 नवंबर 2022 रात को 11:59 तक आपका साइट खुले रहेंगे। जो कैंडिडेट्स आवेदन करना चाहते हैं वो इसी दोनों डेट के बीच में आपको करना होगा। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, देखिए सॉरी, यहाँ पे देखिए जो एप्लीकेशन प्रोफॉर्मा दे दिया है, जैसे वो ये देखिए कौन सी कैंडिडेट्स के लिए, प्योरली सिविल कैंडिडेट, ये देखिए यहाँ पे प्योरली आपका सिविल कैंडिडेट्स के लिए जो प्रोफॉर्मा दिया गया है,
देखिए ये परफॉर्म को आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन आपका प्रॉपर मा जो जेसीओ आपका जूनियर कमीशन ऑफिसर रिलीजियस टीचर जो कोर्सेस आपका 91-92 के लिए फॉर पंडित गोरखा। देखिए जो गोरखा के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, जो सिर्फ जो आप सिविल कैंडिडेट, सिविल कैंडिडेट जो पंडित सिविल कैंडिडेट जो कि आपका पंडित गोरखा के लिए अप्लाई कर रहा है, मौलवी सिया के लिए अप्लाई कर रहा है और बौद्ध मंक के लिए जो अप्लाई कर रहा है, ठीक है, इनके लिए जो अप्लाई कर रहा है इनको इस फॉर्मेट में भरना होगा। सिर्फ जो पंडित के लिए जो भरेगा, सिर्फ जो पंडित ओनली पंडित के लिए रिलीजियस टीचर पंडित के लिए जो भरेगा वो ऑनलाइन भरेंगे, ठीक है। बाकी आपका पंडित गोरखा, आपका मौलवी, आपका देखिए मौलवी मौलवी सिया और आपका बौद्ध मंक के, ये जो तीन प्रकार जो तीन कैटेगरी के लिए जो भरेंगे जो कैंडिडेट सिविल कैंडिडेट जो इसी फॉर्मेट में भरेंगे वो उनको ऑनलाइन नहीं भरना होगा, ठीक है। इसी फॉर्मेट में आपको भरना होगा, यहाँ पे फोटो, इस तमाम आपका परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस देना होगा, तमाम डिटेल्स जो जो मांगा गया है वो आपको देना होगा, ठीक है। इसमें पार्ट टू एलिजिबिलिटी, आपका जो रिलीजियस जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हो गया, लैंग्वेज हो गया, यहाँ पे देखिए आपका डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन भी रहेगा, ठीक है। और ये जो है आपका लास्ट पेज है, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट जो है रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अभी बात करेंगे इंस्ट्रक्शंस फॉर जो सर्विंग सोल्जर, सर्विंग सोल्जर किस तरह से अप्लाई करेंगे, ठीक है। उनका एप्लीकेशन ऑनलाइन आवेदन नहीं करेंगे, दोबारा इसको दोहरा देता हूँ, आप अपना यूनिट से जो इस फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट में दिखाऊंगा अभी, उस फॉर्मेट को भर के आपका सी ओ सी ओ या ओ सी से साइन करके आपका कंसर्न रिकॉर्ड को भेजा जाएगा और आपका कंसर्न रिकॉर्ड जो है उसको अप्रूव करके आपका जहाँ पे भी पोस्टेड आप जिस यूनिट में है उसकी पास में जो हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन है वहाँ पे भेज दिया जाएगा, सबसे पहला कंडीशन। दूसरा देखिए उसका, बट उसका एक एडवांस कॉपी, जैसे आप फॉर्म को भरते हैं, फॉर्म को भर के सीओ से साइन करा के कमांडिंग ऑफिसर से जब रिकॉर्ड भेजते हैं उसका एक कॉपी जो है, उसका एडवांस कॉपी जो है एप्लीकेशन का एक कॉपी, उसको निकाल के आपका रिक्वायर्ड टू, देखिए यहाँ पे फॉरवर्ड, आपको फॉरवर्ड कर देना होगा आपका जो कंसर्न्ड हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन, जो आपका नियरेस्ट में जो कंसर्न्ड हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन है वहाँ फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। जैसे आपका सीओ से साइन होते ही एक कॉपी आपका रिकॉर्ड में चला जाएगा और एक कॉपी आपका जो एडवांस कॉपी है आपका नियरेस्ट जो हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन में आ जाएगा, ताकि उनको इन्फो हो जाएगा कि इस यूनिट से जो कैंडिडेट आ रहे हैं और उनका जो भाया जो उनका कंसर्न रिकॉर्ड के थ्रू वहां से उनका डॉक्यूमेंट आ रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, जो पोस्टल एड्रेस ऑफ जो हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन जितना है या रेजिमेंटल सेंटर है वो लास्ट स्टेज में नोटिफिकेशन का लास्ट स्टेज में दिया गया है, सब मैं दिखा दूंगा, और कौन सी स्टेट जो है कौन सी रिक्रूटिंग जोन के अंदर आ रहा है वो भी सारे चीज़ को दिखाऊंगा, तो थोड़ा सा संयम रखिए। यहाँ पे देखिए एडिशनल आपका, जैसे आप फॉर्म को जब आप भेजेंगे, एडिशनल आपका सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ ऑल्सो टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को भेजेंगे एडिशनल फोटोग्राफ आपका जो 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 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वो एडिशनल फोटो भी आपको देना होगा। और उसके साथ साथ देखिए जब एप्लीकेशन को आप भेजेंगे एडिशनल, एक तो लिफाफे के अंदर भेजेंगे, दूसरा एडिशनल और तीन लिफाफा जिसके अंदर आपका सेल्फ एड्रेस लिखा होगा, स्टाम्प्ड होगा, स्टाम्प्ड होगा आपका रजिस्टर्ड एनवलप इशूड जो होगा आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड जो टेलीग्राफ के द्वारा वो स्टाम्प होगा, और उसमें प्रेजेंट एड्रेस रहेगा, पिन कोड रहेंगे, ठीक है, और ऑन व्हिच एक्नॉलेजमेंट या कॉल ऑफ नोटिस या रिजेक्शन स्लिप इज टू बी सेंड। देखिए आपका मन में ये क्वेश्चन होगा, जैसे हम जो ऑनलाइन आवेदन जो हम आवेदन करेंगे, जो कैंडिडेट्स हम भेजेंगे सिर्फ तो एक लिफाफे में हम भेजेंगे, फिर तीन लिफाफे क्यों जो है एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, वो जो तीन लिफाफा आप एक्स्ट्रा देंगे उसमें आपका आपका एडमिट कार्ड, ठीक है, आपका एडमिट कार्ड आ सकता है, आपका एक्नॉलेजमेंट आ सकता है, ठीक है, आपका कॉल ऑफ नोटिस या रिजेक्शन स्लिप, इस तरह से जो चीज़ें उसमें आने के लिए इसलिए तीन मांगा गया है। यहाँ पे नेक्स्ट जो बात करेंगे आपका, देखिए लास्ट डेट, जो आपका लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन ये आपका 6 नवंबर 2022 रखा गया है, इसके बाद जो जिसका कैंडिडेट्स का जो एप्लीकेशन पहुँचेगा उसको माना नहीं जाएगा। यहाँ पे देखिए हर स्टेट का, जैसे हरियाणा आपका हिमाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़ के लिए देखिए रिक्रूटमेंट आपका रिक्रूटिंग जोन जो कौन सा दिया गया है, जो आपका हरियाणा हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के जो कैंडिडेट्स है जो अप्लाई करेंगे इस रिक्रूटमेंट जोन की जोन में आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, अप्लाई करेंगे, या जो जो कैंडिडेट्स के लिए इसमें बताया गया नोटिफिकेशन में जो आप मतलब फॉर्म को भर के भेजेंगे वो कैंडिडेट्स जो आपका हिमाचल प्रदेश, जैसे हरियाणा हिमाचल प्रदेश या अगर चंडीगढ़ के हैं तो इसी रिक्रूटिंग जोन को आपको करना होगा।
उसी तरह देखिए आपका कर्नाटका, केरला एंड लक्षद्वीप के लिए, लक्षद्वीप के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर लक्षद्वीप के लिए यहाँ पे देख सकते हैं जो आपको जो इस जो है रिक्रूटिंग जोन है, जैसे बताना चाहूँगा यहाँ देखिए ये आपका रिक्रूटिंग जोन, इस रिक्रूटिंग जोन इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो गया, आंध्र प्रदेश, आपका तेलंगाना, पांडिचेरी, आपका तमिलनाडु के जो कैंडिडेट्स है वो इस जो हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन आपका चेन्नई को भेजना होगा। ऐसे ही बिहार एंड झारखंड के जो बच्चे हैं यहाँ पे देखिए हेडक्वार्टर आपका रिक्रूटिंग जोन दानापुर, दानापुर कैंट को भेजना होगा। दिल्ली फरीदाबाद आपका गुड़गांव मेवट और जो पलोल का जो है इनके देखिए इंडिपेंडेंट रिक्रूटिंग ऑफिस आपका दिल्ली कैंट को भेजना होगा। छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश के जो कैंडिडेट्स हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन आपका जबलपुर को भेजना होगा। राजस्थान के जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे देखिए हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन आपका जयपुर, ये जो एड्रेस में आपको भेजना होगा। उसी तरह देखिए यहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर के जो बच्चे हैं, जम्मू कश्मीर एंड पंजाब के जो बच्चे हैं यहाँ पे हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन आपका जलंधर, जलंधर कैंट को भेजना होगा। ओडिशा आपका सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल का जो कैंडिडेट्स है यहाँ पे देखिए हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन आपका कोलकाता में भेजना होगा। उसी तरह से जैसे आपका उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड के जो बच्चे हैं हेडक्वार्टर आपका रिक्रूटिंग जोन लखनऊ, दादर एंड नगर हवेली, दामन एंड दीव गोवा, आपका गुजरात एंड जो महाराष्ट्र के जो बच्चे हैं यहाँ पे देखिए हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन पुणे के नाम से आपको भेजना होगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, आपका मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा के जो बच्चे हैं हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन आपका शिलोंग में भेजना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे देखिए फॉर पंडित गोरखा कैटेगरी, यहाँ पे देखिए फॉर पंडित गोरखा कैटेगरी के लिए जो आवेदन करेंगे पंडित गोरखा कैटेगरी के लिए उनको भेजना होगा गोरखा रिक्रूटिंग डिपो आपका कुंड्राघाट जो इस एड्रेस में, जो जो कैंडिडेट आपका पंडित गोरखा कैटेगरी के लिए जो आवेदन करेंगे, देखिए जो कैंडिडेट्स मौलवी शिया या बोध आपका बोध मंक मायना अदर देन सिख कैटेगरी के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, मौलवी आपका सिया और बौद्ध मंक के लिए जो कैंडिडेट्स आवेदन कर रहे हैं वो देखिए यहाँ पे आपका लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर को जो है उनको भेजना होगा, उनका फॉर्म भर के भेजना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो फॉर्म की अभी बात करेंगे, देखिए फॉर्म जो कौन सी है यहाँ पे जो सर्विंग सोल्जर के लिए, पहले सिविल कैंडिडेट्स के लिए मैंने बता दिया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो सर्विंग सोल्जर के लिए यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है, इसी फॉर्मेट में आप भर के आपका जो सभी जो जानकारी सभी तथ्य इसमें भरेंगे। ठीक है, और इसमें देखिए जो आपका भर के एक डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे देखिए जो डिक्लेरेशन आपको साइन करना होगा, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो तीसरा पेज है इस पेज को भर के आपका सिग्नेचर कैंडिडेट्स यहाँ पे देखिए सिग्नेचर जो कैंडिडेट्स है वो करके और जो तमाम जो आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपका सीओ ऑब्लिक ओसी का साइन रहेगा, देखिए सिग्नेचर ऑफ सीओ ऑब्लिक ओसी नोट का साइन रहेगा। ठीक है, इसको करके आपको जो सर्विस कैंडिडेट्स को आपको जो है थ्रू आपका रिकॉर्ड भेजना होगा, जो सर्विंग आप डायरेक्ट जो हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन को एक कॉपी आपका एडवांस कॉपी के तौर पर दोगे, बट जो आपका एक कॉपी जो है चला जाएगा आपका कंसर्न जो रिकॉर्ड ऑफिस है वहाँ से फिर आपको अप्रूव होके आएगा। तो यही था इस जो नोटिफिकेशन का संपूर्ण जानकारी, ये भी हिंदी में भी दिया हुआ है, जो कैंडिडेट्स इंग्लिश को प्रीफर करना नहीं चाहते हैं इसमें इसको देखिए पूरा हिंदी में ये नोटिफिकेशन भी दिया गया है। इस नोटिफिकेशन को मैं शेयर करूंगा मेरा टेलीग्राम में जो पेज वर्ड टू सक्सेस के नाम से, आप लोग वहां से और उसका लिंक जो है टेलीग्राम पेज का मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जो है उस लिंक में ज्वाइन करके इस नोटिफिकेशन को आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए, आशा करता हूँ जो मेरा देश के तमाम अभ्यर्थी जो इस वीडियो को देखेंगे आराम से समझ पाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो पक्का लाइक कर देना और एक एक शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलिए इस नोटिफिकेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। जय हिंद, जय भारत।